ও এক্সজস্ট কল গায়া ওগুলো আতালো এক্সজস্ট কল গায়া গাইস এক্সজস্ট কল গায়া গরম হইব গরম হইব ये দে ये ভাই আও দে ये দেখ ये দেখ আপনি আপ চল রহা ভাই খতম अनएक्सपेक्टेड गाइस सो व्हाट्सअप गाइस कैसे हो आप लोग जरूर बताना और आज हम निकल गए हैं मतलब माइलेज टेस्ट करने विथ एग्जॉस्ट के साथ आप सभी को पता है कि मैंने एग्जॉस्ट लगाया है और मुझे जहां तक लगता है कि मेरा माइलेज बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हुआ है बाइक का माइलेज तो अभी इसको रियल टाइम का मतलब रियल टाइम पूरा ही माइलेज टेस्ट करेंगे इसको ठीक है पूरा ही भाई मैं माइलेज निकालना नहीं चाहूँगा मैं जैसा चलाता हूँ वैसा ही चलाऊँगा ठीक है तो हम लोग सिटी राइड भी करेंगे हाईवे राइड भी करेंगे और हिल्स एरिया में भी राइड करेंगे सब मिला के देखते हैं कि कितना माइलेज आता है ठीक है विथ एग्जॉस्ट तो अभी हमने सारा पेट्रोल निकाल लिया है बाइक से करीबन 3 लीटर निकला है बाइक से और कहाँ तक ख़त्म होता है देखते हैं ठीक है तो भाई अभी हम फिलहाल जा रहे हैं सिलचर बाईपास की तरफ और बाइक थोड़ा थोड़ा मिस मार रहा है हमने ज़्यादा ही कुछ पेट्रोल निकाल लिया था बाइक से यहाँ पर अचानक मिस मारा है बाइक ने इसलिए मैंने कैमरा ऑन किया ठीक है देखता हूँ बाईपास तक पहुँचता है तो पहुँचने दो यहाँ से बाईपास रह गया है सिर्फ 3 किलोमीटर देखते हैं पहुँचेगा तो ठीक वरना तो इधर ही रोकना पड़ेगा तो किसी तरह हम लोग पहुँचे हैं सिलचर के बाईपास ठीक है इधर से लेफ्ट लेंगे तो आ जाएगा बाईपास ये लो एक पकड़ लो हाईवे आ गए सॉरी हाईवे आ गए हैं हम ठीक है अभी पेट्रोल ख़त्म होने तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हमें 1 लीटर बोतल से हमने थंबनेल खींचना था इसलिए किसी तरह बाईपास में आ गए हैं हम लोग ठीक है वरना सिटी में ख़त्म होता तो भाई कोई फ़ोटो वोटो खींचना नहीं हो सकता था क्योंकि ट्रैफिक एरिया था ट्रैफिक रह सकता था इसलिए तो बाइक ने और एक बार मिस मारा है इधर हाईवे की तरफ आते हुए ठीक है हमने यहाँ पर रोक दिया है थंबनेल खींचने के लिए ठीक है अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है अभी भी चलेगा बाइक इधर हम खींचेंगे थंबनेल ठीक है जैसे हो सो मौका और हमारा 1 लीटर पेट्रोल इसमें बैग के अंदर है और 2 लीटर बैकअप के लिए सही है ये रहा हमारा एग्जॉस्ट हमारा नहीं बाइक का एक्रापोबिक फुल सिस्टम सही है थंबनेल खींचने बाद में आपसे मिलते हैं सो हमने उधर थंबनेल वंबनेल खींच लिया है सब कुछ ख़त्म और ऐसा हम एक लेन में चलाएंगे तो भाई पेट्रोल तो ख़त्म नहीं होने वाला है ठीक है तो थोड़ा बाइक को खींचते हैं मिस मारा है देखा अभी हेलो हेलो मिस मार रहा है अभी खींचने से ही मिस मारता है ये दे 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 दे। ये क्या जा रहा है भाई अभी अभी आपके सामने बहुत ही तगड़ा मिस मारा है बाइक ने ओवरटेक में अब इसको ओवरटेक करूँ या ना करूँ भाई ये तो मिस मार रहा है ओवरटेक करने में जब पावर खींच रहा हूँ ना तब मिस मार रहा है बाइक ऐसा ही चलाते हैं जहाँ तक ख़त्म होगा तो हो जाएगा ये तो एक्सलेटर पकड़ा हुआ है मैंने फिर भी ये देखो ये तो भाई क्या ही मिस मार रहा है बाइक को मैं नहीं चला रहा हूँ गाइस ये देखो खत्म ये चल गए ये देख भाई अब ये देख अपने आप चल रहा है भाई
खत्म खत्म आपके सामने लाइव खत्म। फिर एक बार ट्राई करते हैं, स्टार्ट लेता है क्या न्यूट्रल में लगा के। बंद हो रहा है, फिर एक बार ज़्यादा नहीं ट्राई करेंगे हम। हाँ ठीक है, नहीं ले रहा है गाइस, रहने दो, ज़्यादा नहीं करते। पेट्रोल डालते हैं 1 लीटर, ठीक है, उतर जा भाई। ये देखो ये हाथ में लेके बैठा था, एक ज़रा भी गिराना मत। हाँ ठीक है, मैं डालू, इसको ऐसे करना, पीछे खींचना। ये देखो पूरा 1 लीटर है, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, सही है। ये वाले क्लिप में थोड़ा सा ही कट आउट नहीं होगा, ठीक है, पूरा ही जो डाल रहा हूँ लाइव डाल रहा हूँ आपके सामने। ये देखो थोड़ा सा भी गिरा नहीं, सही है, पूरा 1 लीटर गया। इसके लिए बहुत दिक्कत होता है। हाँ ये प्लास्टिक की वजह से पूरा नहीं खुलता। ये देखो पूरा गया, अभी गैस डाल दिया हमने। हाँ ठीक है, पेट्रोल अभी देखते हैं स्टार्ट लेगा क्या नहीं, लेना चाहिए भाई। देखा सही है, अभी मीटर को कर देते हैं 0, ठीक है, इधर मीटर आ रहा होगा, ये ऑडी मीटर है, ट्रिप 1-0, ठीक है, ये देख लो आप एक बार, 0-0, ये भाई देख लिया 0-0 है। अभी हम हिल्स एरिया में जाएंगे शायद, या यहाँ से बाईपास का पॉइंट थोड़ा ही है, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो इस पॉइंट से राइट जाता है भाई हिल्स एरिया, हम फिलहाल हिल्स एरिया पे नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बाईपास की एंड की तरफ, तो थोड़ा हाईवे राइड भी हो जाएगा, ठीक है, मतलब हाईवे का माइलेज निकल जाएगा। हाईवे पे हम 10 किलोमीटर चलाएंगे, ठीक है, और हिल्स एरिया में 5-10 ऐसा ही चलाएंगे, और बाकी सब सिटी में चलाएंगे, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सही है, अभी इसका पूरा एंड तक चलते हैं, ये इस बाईपास का, ठीक है। अभी तो फिलहाल 1 किलोमीटर चला लिया है हमने, मुझे भी पता चल जाएगा कि बाइक कितना माइलेज निकाल के दे रहा है विद एग्जॉस्ट के साथ, ठीक है। हम लोग ना गाइस स्पीड मेंटेन कर रहे हैं 81-80 ऐसा ही स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, कभी कभी 70-80 या फिर 90 भी उठा देंगे कभी कभी, ठीक है, मतलब यही स्पीड में मेंटेन करके चल रहा हूँ। तो ये देखो बाईपास एंड हो चुका है, अभी बाइक चल गया 4 किलोमीटर, सिर्फ 4। ओ एग्जॉस्ट खुल गया, बोलो आता लो, एग्जॉस्ट खुल गया गाइस, एग्जॉस्ट खुल गया, गर्म हुई वो, गर्म हुई वो। आपके सामने अभी लाइव एग्जॉस्ट खुल गया लूज होके, ठीक है, बाइक बहुत ही ज़्यादा साउंड कर रहा है। तो भाई एग्जॉस्ट तो हमने फिट कर दिया, ये देखो जुगाड़ करके अंशु ने फिट कर दिया यहाँ पर रस्सी से, ये बोल्ट गिर गया था गाइस, ये देखो ये बोल्ट जो है ये गिर गया था, इसका बोल्ट नहीं मिला, वरना तो हम बोल्ट से लगा देते, पास में दुकान शॉप भी नहीं है, रस्सी मिला था, हमने रस्सी से जुगाड़ कर लिया, ठीक है, बाद में देख लेंगे इसको क्या करना। अभी और अच्छे से फिटिंग हुआ। हाँ सही, और अच्छा लग रहा है बाइक में, ठीक है, अभी हमारा माइलेज टेस्ट कंटिन्यू करते हैं। हाईवे में हम चला चुके हैं 8 किलोमीटर, अभी हिल्स एरिया में, ठीक है, अब हिल्स में फुल लीन गेम चल रहा है। कौन लोग है भाई जो हिल्स में आके भगाते नहीं है, ठीक है, तो हम पूरा हम जैसे चलाते हैं वैसे ही चला के आपको माइलेज टेस्ट दिखाएंगे, कि हम माइलेज टेस्ट कर रहे हैं कि अच्छे से चलाया, धीरे धीरे चलाया, माइलेज निकालने के लिए आपको दिखाने के लिए, मैं वैसा नहीं हूँ, ठीक है, मैं जो लाइव है वही दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं जैसे चलाता हूँ।
अभी हम फिलहाल चला चुके हैं 13 किलोमीटर। ठीक है, इधर एक मंदिर है, यहाँ पर धीरे चलते हैं। ये हमारा हिल्स एरिया ख़त्म। ठीक है, अभी हम फिर से निकलेंगे टुवर्ड्स बाईपास की तरफ। ठीक है, अभी पूरा बाईपास कवर करेंगे। इधर से पूरा बाईपास है 10 किलोमीटर। ठीक है, अभी हमारा बाइक चल चुका है 22 किलोमीटर। ठीक है, अभी देखता हूँ कि 10 किलोमीटर चलता है या नहीं। मुझे तो जहाँ तक लगता है ये 30 या 28 तक माइलेज देना चाहिए एग्जॉस्ट के साथ। ठीक है, एग्जॉस्ट नहीं है तो 35 तक भी जा सकता है ये। ठीक है, अभी एग्जॉस्ट है तो मैं देखना चाहता हूँ कि कितना तक जाता है, और आपको भी दिखाना चाहता हूँ कि कितना तक जाता है विथ एग्जॉस्ट RS 200 BS6। ठीक है, तो भाई बाईपास एंड होने वाला है और हमारा बाइक लगभग चल चुका है 27 किलोमीटर। ठीक है, मुझे अभी भी नहीं पता चल रहा है भाई कि बाइक कितना तक माइलेज देगा। भाई 27 तक दे दिया है। ठीक है, अभी देखते हैं। मैं ऐसा ही चल रहा हूँ, 77, 80, 81, मतलब 100 तक नहीं टच कर रहा हूँ मैं। 100 तक टच करेंगे तो भाई बहुत ही कम माइलेज निकलेगा। वो आप भी जानते हो कि बाइक को खींचेंगे, जितना खींचूँगा उतना माइलेज कम देगा। मैं अगर खींच के चलाऊँगा ना, ये मैं मान के बता रहा हूँ 20-21 माइलेज देगा ये। ठीक है, इतना खाता है भाई। मतलब मैं खींच के चलाऊँ तो ये 80-70 में चला रहा हूँ, सही है, इससे नीचे मैं नहीं जा रहा हूँ। अभी देखता हूँ, अभी हो गया 28 किलोमीटर। अगर आप इस वीडियो को फुल क्वालिटी में देख रहे हो तो आप मीटर भी देख सकते हो पूरा, कि पूरा ही 28 किलोमीटर चल चुका है बाइक, सही है। अनएक्सपेक्टेड गाइस, मेरा बाइक चल चुका है पूरा 30 किलोमीटर। ठीक है भाई, मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं हो रहा है कि मेरा बाइक 30 किलोमीटर चल चुका है बाइक एग्जॉस्ट के साथ। भाई आपको पता होगा कि मतलब एग्जॉस्ट के साथ बाइक कम ही माइलेज देता है भाई, लेकिन मेरा एक्सपेक्ट से ये ऊपर जा रहा है अभी भी। ठीक है, मेरा एक्सपेक्ट था 26-27 ही देगा। इधर कहीं पर रुकते हैं, है ना, वरना ऐसा एक लीन से चलाएंगे तो भाई माइलेज तो ज़्यादा ही आएगा। इधर कहीं पर रुकते हैं, कुछ खाएंगे और बाइक को भी थोड़ा सा रेस्ट दे देंगे। ठीक है, 2000 years later. अभी बाइक चल चुका है 35.9 किलोमीटर, पकड़ लो 36 चल गया है बाइक, 37.6 किलोमीटर, 37.7 किलोमीटर, 37.9 किलोमीटर, पकड़ लो 38 चल गया, 38 किलोमीटर, 38 किलोमीटर, सही चल रहा है, मेरे जिगर का छल्ले सही चल रहा है। मेरा एक्सपेक्ट से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिया है भाई इस बाइक ने। अगर एग्जॉस्ट नहीं था, मतलब एग्जॉस्ट जब था भी नहीं उस वक्त, तो मैंने माइलेज टेस्ट नहीं किया। मैं पकड़ के बता रहा हूँ भाई, 44 या 45 तक माइलेज निकल सकता था इस बाइक से विदाउट एग्जॉस्ट के साथ। ठीक है, और हमने थोड़ा सा रैश ड्राइविंग भी किया है, मतलब हिल्स एरिया में, इसलिए थोड़ा सा कम ही निकला है। ये कम क्या भाई, 38 इज़ इनफ फॉर RS 200। ठीक है ना, 38.6 किलोमीटर, अभी देखते हैं और कितना तक चलता है। ये भाई बाजार वजार में मत खाओ, खत्म, रुक जाओ, मुझे रॉन्ग साइड में ही रुकना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑटो था ना, खत्म। देखते हैं स्टार्ट लेता है क्या, सही है, न्यूट्रल में लगाता हूँ। बैठ जा, ले लिया इसने फिर से स्टार्ट, देखता हूँ किधर तक जाता है, खत्म भाई। खत्म सीन, फिर से हाफ क्लास करके भी नहीं चल रहा, खत्म, फिर से खत्म,
क्या हो रहा है भाई, फिर से ट्राई करें। खत्म, सीन खत्म। भाई जितना खींच सकता था खींच लिया हमने, और ज़्यादा नहीं ट्राई करेंगे भाई, क्योंकि बाइक का भी हो सकता है प्रॉब्लम कुछ, मतलब वो पेट्रोल लाइन में, ठीक है। इसलिए ज़्यादा नहीं खींचते हुए हम यहीं पे रुक देते हैं, ठीक है, फिर एक बार ट्राई कर देते हैं ना। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा गाइस। तो भाई ये कुछ था हमारा बाइक का माइलेज, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ और एक बार मीटर दिखा देता हूँ कितना तक माइलेज निकल के दिया है बाइक ने विद एग्जॉस्ट के साथ, सही है। ये अब ध्यान से देखो 39.4 किलोमीटर, सही है। ये अब ध्यान से देख लो 39.4 किलोमीटर निकल के दिया है। अभी हमारे पास पैकअप पेट्रोल था, उसको डालेंगे और निकल जाएंगे घर के लिए, सही है। और गाइस ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ और एक वीडियो में, टेक केयर, बाय गाइस। और बाइक के कुछ जानना है तो भाई मुझे टेक्स्ट कर देना, ठीक है, मैसेज कर देना इंस्टा पे, या कमेंट भी कर देना, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, सही है। बाय गाइस।